दोस्तों आज हम टूर करवाएंगे ओशन सिटी। ये लॉन्ग ब्रांच ब्रिज है और यहाँ पे देखिए कितना प्यारा डेवलपमेंट है, हाउसेस हैं, देख के मज़ा आ जाएगा। और सामने है ये अटलांटिक ओशन और प्रिस्टीन वाटर और बीच भी बहुत ही अच्छा है, बहुत क्लीन बीच है, थोड़े लोग हैं बट अच्छा है, एकदम ही आइसोलेटेड नहीं। और यहाँ पे वॉक ब्रांच भी बना रखा है और हम भी जा रहे हैं ब्रिज की तरफ, ब्रिज के मजे लेने। हाय बोलो ब्लॉग को। सो यहाँ आ सकते हैं, ये लाइफगार्ड ऑन ड्यूटी का टाइम है, लाइफगार्ड 9 से 7 बजे तक रहेंगे, तो इस टाइम पे आप तैर सकते हैं। और हाँ, यहाँ पे अगर ये हैजार्ड लेवल फ्लैग्स ये सब दिए रहते हैं तो ये आप देख के इस हिसाब से तैरने का डिसीजन लीजिए, है ना। और हाँ देखो, यहाँ पे समुंदर के पानी के बाद आने के बाद शॉवर भी दिया है जहाँ पे लोग नहा रहे हैं, है ना। और बीच तो बहुत बड़ा है, मतलब किलोमीटर्स ऑफ बीच है, आप जितना एक्सप्लोर करना चाहे उतना एक्सप्लोर कर सकते हैं, ख़त्म नहीं होगा ये। और अच्छी रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस भी है, जो सी व्यू लेके रहना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छी जगह है। और मेरे हिसाब से उस साइड जो है वो सैंडी हुक है और इस साइड जो बीच आगे कंटिन्यू होता है उसे एसबरी पार्क कहते हैं। और ये है अमेरिका न्यू जर्सी लॉन्ग ब्रांच का एक बीच। सो ये सीगल्स होते हैं और ये यूजुअली फिश को खाते हैं, यहाँ पे शायद कुछ और क्रीचर्स को खा रहे हैं। और ये जो ब्रिज है इसका स्लोप बहुत हाई है, अगर आप देख सकते हैं तो बहुत हाई स्लोप है, इसका मतलब आगे भी स्लोप बहुत हाई रहेगा, तो यहाँ पे तैरने का डिसीजन बहुत संभाल के लीजिए, क्योंकि मैं जहाँ तक देख रहा हूँ यहाँ पे लोग ज़्यादा अंदर जा नहीं रहे हैं क्योंकि पानी अंदर बहुत डीप होगा। और इसका मतलब है ये सर्फिंग के लिए अच्छा हो सकता है बट ये तैरने के लिए तो थोड़ा डिफिकल्ट बीच है। तो जैसे ये अपार्टमेंट में लोग रह रहे हैं उनके लिए यहाँ पे नीचे लॉकर्स दे रखे हैं, तो वो रोज़ अपनी चेयर्स या जो भी हैं ये रोज़ इधर लाना चाहे डायरेक्टली तो यहाँ ला सकते हैं। तो ये देखिए, ये है ऑलमोस्ट एक रिटायरमेंट या वैकेशन होम जो लोग खरीदते हैं, एक टाइम शेयर टाइप, जहाँ पे आप घर खरीद सकते हैं, हर रोज़ ओशन व्यू का मज़े ले सकते हैं, अपनी चेयर्स ऐसे बिठा के आराम से बैठ सकते हैं। तो हाँ, न्यू जर्सी की ये है जर्सी शोर लाइफस्टाइल। तो देखिए यहाँ पे एक बहुत प्यारा सा बोर्ड वॉक भी बना हुआ है, छोटा सा बोर्ड वॉक है, बहुत सी जगहों पे न्यू जर्सी में बहुत ही अच्छा बोर्ड वॉक है, एसबरी पार्क और वाइल्ड वुड्स में, बट मुझे ये ज़्यादा पसंद है क्योंकि यहाँ पे क्राउड कम है और आप अच्छे से वॉक कर सकते हैं। अगर आप यहीं रहते हैं या सुबह सुबह आ रहे हैं तो यहाँ पर अच्छी जॉग कर सकते हैं और व्यू तो बहुत अमेजिंग है ही। तो इस व्यू पे और यहाँ पे आके आराम से वॉक करना या जॉग करना या सिर्फ अपने पार्टनर के साथ आके यहाँ पे टाइम स्पेंड करने में भी बहुत मज़ा आता है। तो जैसे आप देख रहे हैं सामने जर्सी शोर बीच रेंटल्स हैं, तो बेसिकली क्या है कि आपको खुद की चीज़ें लाने की ज़रूरत नहीं है, यही आपको चेयर अम्ब्रेला ये सब प्रोवाइड कर देंगे। इसके रेट्स तो अभी मुझे नहीं पता है बट ज़्यादा भी नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पर बिजनेस बहुत सारा होता है, मतलब वो लोगों की नंबर्स पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो आराम से आइए बस ड्राइव करके और इस व्यू के मज़े उठाइए। तो एक अच्छी बात यहाँ है कि यहाँ पर बोर्ड वॉक पे वॉशरूम भी बने हुए हैं, जैसे ये एक वॉशरूम एरिया है, फेयरली क्लीन है, बहुत गंदा नहीं है और आप आ सकते हैं यहाँ पे, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि भाई बीच पे पूरा दिन बैठे हैं और बाद में अगर बच्चे हैं आपके साथ तो आप इजीली
वॉशरूम एक्सेस कर सकते हैं, तो ये बहुत एक अच्छी फैसिलिटी है और अच्छी साफ़ सफाई भी रखी है, तो वेल डन। तो ये जिस इसके बाजू में ये एक छोटा सा आउटलेट है, अभी बंद हो चुका है क्योंकि हम थोड़ा शाम को आए हैं, बट यहाँ जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे स्नैक्स अवेलेबल है। तो बेसिकली आप न्यू जर्सी में रहते हैं तो सिर्फ ड्राइव करके आ जाइए, यहाँ पे स्नैक, वॉशरूम, रेंटल्स सब कुछ अवेलेबल है, आप बस आइए और बीच का मज़ा उठाइए। तो घूमते घूमते एक बहुत अमेजिंग चीज़ दिखी, लॉन्ग ब्रांच योगा। तो बेसिकली यहाँ पे योगा के लिए भी आप आ सकते हैं मंडे, वेनसडे, फ्राइडे नाइट्स एट 6:30। सो कुछ पहुँचे ना पहुँचे योगा कल्चर हम यहाँ पहुँचा चुके हैं। तो रेंटल से उसका शायद ये बोर्ड है, इस पे लिखा हुआ है कि क्या रेट्स रहेंगे सर्फ बोर्ड्स के और बाकी चीज़ों के। सो बेसिकली आप इसे रेफ़र कर सकते हैं और यहाँ आ सकते हैं। सो बीच से जस्ट बाहर निकल के यहाँ पे आपको डंकिन का ऑप्शन है, और वैसे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं और ये कुछ स्पेशल विंडमिल, 7-Eleven ऐसे सब है, तो आप इजीली जाके कॉफ़ी ग्रैब कर सकते हैं। सो ये था हमारा टूर लॉन्ग ब्रांच बीच का। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए द कडली कपल को।